Essa é a querida número aqui, fine. E agora, olha, se for a Is it a question about the group? Yes, sir. But yes, any owner, sir, can happen. Your last one, sir, should you एक मेरा पेज नंबर और लिखिएगा 345 वॉल्यूम वन का वॉल्यूम वन पेज नंबर 345 इस पे जो क्वेश्चन है ये भी आपने एफए वन के जमाने में सवाल अटेम्प्ट किया था ये सेट है इसमें भी लेकिन इस जमाने में अभी डिसमेंटलिंग नहीं थी तो ये भी जरा शुरू करके देखें क्या दिन मेरा तो फिर पेज नंबर 345 पे ये तीन माने एक ही सवाल हो गए तो मैंने कब कहा बुक क्यों नहीं ये सर वॉल्यूम बता दो सर पेज नंबर बता दो इसमें सर कोई ये सेट है चेंज इन एस्टीमेट है लेकिन डिसमेंडिंग थोड़ी सी है तो करके देखें जरा देखता हूँ कितना किसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा बाकी सारे पेज नंबर 85 पे ये कंटेनर ऐसे पढ़ रहे थे जरा फाइनल कर लो सर क्या क्या बात हो रही थी इसमें देख लें जिसने आपने पहले किया हो बहुत दोनों सेक्टेबल नहीं स्पेसिफिकली एग्जामिनर बताता नहीं है दोनों एक्सेप्टेबल नहीं है किसी जगह अगर आई कैप ने कुछ किया हो किसी जगह कुछ किया हो जैसे पहले किया होगा बट ये 14 है ये रिवेल्यूशन सरप्लस है ये ट्रांसफर नहीं बटा हुआ ट्रांसफर तो उसने लिखा हुआ है कि होना डी रिकॉग्निशन एसेट्स ये 14 रिवेल्यूएशन लॉस है जो सरप्लस एडजस्ट हुआ है ये सरप्लस के कॉलम में से माइनस होना ये सरप्लस ट्रांसफर उसके नीचे ट्रांसफर की पॉलिसी बताई गई है ट्रांसफर होना है जब डी रिकॉग्निशन ऑफ रिलेटेड एसेट होंगे तो ये ट्रांसफर नहीं है ये पॉजिटिव फिगर का मतलब है सरप्लस क्रेडिट हुआ और डेबिट फिगर का मतलब है लॉस सरप्लस एडजस्ट हुआ ये सरप्लस के कॉलम में से माइनस नेगेटिव फिगर है ये एसेट क्रेडिट है और सरप्लस डेबिट एंट्री है ये पेज नंबर 85 क्या होता है कंटिजेंट एसेट स्टार्ट में तो अब इसका करेंगे क्या कैंड इसके नेक्स्ट लाइन ढूंढ रहा रिकॉग्निशन क्राइटेरिया वेयर द फ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम कंटिजेंट एसेट इज पॉसिबल और रिमोट परसेंटेजेस थोड़ी सी यहां से ऑनवर्ड्स एम रखना शुरू कर दो पॉसिबल
फिफ्टी फिफ्टी का लें या रिमोट अगर है तो 50-50 हो या उससे कम हो तो सॉरी कंटिजेंट एसेट की खत्म। प्रोबेबल मीन्स मोर देन लाइकली, एक वर्ड सुनाओगे, ज्यादा चांस इसी का है। प्रोबेबल मोर देन 50 का लें, उस केस में अगर कंटिजेंट एसेट है तो उसको डिस्क्लोज करें अगर वो कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट भी है तो। इफ मटीरियल मीन्स अगर सिग्निफिकेंट नहीं, मतलब अमाउंट अगर बहुत थोड़ी सी है, फॉर एग्जाम्पल पैसे मिलने का चांस तो है लेकिन अमाउंट कोई खास नहीं है, तो फिर शायद शेयर होल्डर्स को। मटीरियल मीन्स अमाउंट भी सिग्निफिकेंट हो एंड वर्चुअली सर्टन अगर होता है तो वो कहता है एसेट इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी कंटिजेंट। अगर वर्चुअली सर्टन हो गया, तकरीबन 100% ही हो गया पैसे मिलना, तो वो कहता है इट्स कंटिजेंट एसेट नहीं रहा और देयरफॉर रिकॉग्नाइज मीन्स उसकी एंट्री करना। क्या एंट्री करना, क्या एसेट, कौन सा एसेट, ये पैसे मिलना मिलने वाली बात हो रही है, तो एंट्री दिखाना। रिसीवेबल डेबिट और इनकम मीन्स फिलहाल अदर इनकम लिखना, लेकिन ये एंट्री कब करेंगे, अगर प्रॉबेबल होगा तो क्या करेंगे, और अगर पॉसिबिलिटी के लेवल पे है तो इग्नोर करते हैं। अगर कोई प्रोविजन प्रॉबेबल हो जाए तो रिकॉर्ड प्रोविजन के लिए वर्चुअली सर्टन तक जाने की जरूरत नहीं है। प्रॉबेबल आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज अगर है तो प्रोविजन रिकॉर्ड हो जाएगी डेफिनेटली, अगर बाकी क्राइटेरिया भी मीट हो गए, और अगर पॉसिबल लेवल पे है तो डिस्क्लोजर होगा, कंटिजेंट लायबिलिटी के एंगल से डिस्क्लोजर हो जाएगा, और अगर रिमोट चांस है फिर इग्नोर होगा। अदर अगर एक पेज पीछे आ जाएगा, पेज नंबर 83 इसके स्टार्ट विद में एक हेडिंग आ रही है रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट मींस एक लाइन पढ़े जरा पहले। रीइंबर्समेंट मींस अमाउंट इनकर्ड इज एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर्ड। एक अमाउंट इनकर हुई है या तो मिल गई है, इनकर होने के बाद या तो पैसे वापस मिल गए, और या एक्सपेक्टेड है कि मिल जाएंगे। क्या होने के बाद क्या हो रहा है, अमाउंट इनकर होने के बाद मींस आउटफ्लो होने के बाद अगर एक्सपेक्टेड है कि ये आउटफ्लो वापस आ जाएगा, और गया है या आ जाएगा, ये दोनों सिचुएशन हो सकती है। उसमें ट्रीटमेंट कब करेंगे वो बात कर लेते हैं। अगर आ गया है फिर तो डेफिनेटली शायद कैश डेबिट हो जाएगा, लेकिन अगर आना है तब क्या करना चाहिए वो भी सोचते हैं। उसने इसकी एग्जाम्पल इस तरह से कि फॉर एग्जाम्पल आपने किस दिन डैडी की गाड़ी निकाली और उसको किसी जगह आपने जाना था, वहां जाना शुरू कर दिया, अचानक रास्ते में नजर पड़ी कि पेट्रोल नहीं है, तो आपने अपनी पॉकेट से पेट्रोल डलवा लिया और बिल बनवा लिया और वापसी पे डैडी के सामने बिल रखा और डैडी ने वो आपको बिल के पैसे पे कर दिए, तो ये रीइंबर्समेंट हो गया। मतलब रीइंबर्समेंट ये होती है, वैसे एग्जांपल था ये। रीइंबर्समेंट हो गई सर। अब सर ये सर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए रीइंबर्समेंट की क्या स्टोरी है, एक एग्जांपल जरा पहले आपके सामने बनानी है, उसको पहले देखना। मेरा ख्याल है कि नोट करने की जरूरत होगी, बाद में इसी पेज पर लिख बनाइएगा, तो पहले जरा समझ लीजिएगा। मोबाइल से की समझ आ सकती है सर में से। लेट्स से एक मोबाइल मैन्युफैक्चरर है, तो नाम बताइए क्यों मोबाइल, अब मैन्युफैक्चरर जो है वो डायरेक्टली अपना मोबाइल खुद नहीं सेल करते, आपको मैन्युफैक्चरर्स के मोबाइल जिन शॉप्स से मिलते हैं वो शॉप्स रिटेलर होते हैं। मतलब हकी सेंटर में कोई शॉप अगर है तो क्या मोबाइल उसने बनाया, उस पर उसके पास डिफरेंट कंपनीज के पड़े हैं, तो मैन्युफैक्चरर्स के मोबाइल रिटेलर्स के थ्रू कस्टमर्स को बेचे जाते हैं, ठीक है। तो लेट्स अस्यूम क्यों मोबाइल ने
कुछ मोबाइल्स रिटेलर के पास रखवाए ताकि कस्टमर्स को रिटेलर बेच सके। सर बात मेरी समझ आ रही क्या कह रहे हैं? अब थोड़ी सी अपने वारंटीज जहन मिलानी है। वारंटीज होती है मोबाइल्स की? नॉर्मल वारंटी मेरा ख्याल ये होती है, नॉर्मल वारंटी ये होती है कि यकीनन कस्टमर रिटेलर से खरीदता है, लेकिन उसे जो वारंटी कार्ड मिलता है वो रिटेलर का होता है या मैन्युफैक्चरर का होता है। मीन्स से फॉर एग्जांपल अगर कोई डिफेक्ट आएगा तो कस्टमर शायद रिटेलर के पास जाके वापस तो करेगा, लेकिन रिटेलर किसे भिजवा देगा और वो वापस करेगा, या फिर शायद आप सीधा वहीं जाते हैं जो उनकी आउटलेट्स होते हैं। तो नॉर्मल सिचुएशन के कौन वारंटी देता है? मैन्युफैक्चरर की वारंटी कस्टमर के पास होती है, पर इन केस ऑफ एनी डिफेक्ट रिटेलर इज एज सच नॉट लाइबल। कौन लाइबल होगा? मैन्युफैक्चरर ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस केस में अगर प्रवीण रिकॉर्ड करने का सोचेगा कोई इस वारंटी का, मैन्युफैक्चरर ने, मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड्स वारंटी टू कस्टमर। तो इस केस में प्रोवीजन अगर किसी ने बनानी है तो वो कौन बनाएगा? मैन्युफैक्चरर सोचेगा कि कितने में बने मोबाइल सेल हुए हैं, जिनमें डिफेक्ट्स एक्सपेक्टेड हैं, हिस्टोरिकली कितने डिफेक्ट्स होते हैं, कितने परसेंट चांसेस हैं, किस तरह के डिफेक्ट्स फ्यूचर में होंगे, उन पे कितना कितना खर्चा होगा। इन सब के बेस पर अगर उसका कोई रिलायबल एस्टिमेट बन गया, उसे लग रहा है कि प्रॉबिलिटी फॉर फ्लो ऑफ रिसोर्सेज है, रिलायबल एस्टिमेट बन गया, तो मैन्युफैक्चरर विल रिकॉर्ड अ प्रोवीजन। और अगर फॉर एग्जाम्पल रिलायबल एस्टिमेट नहीं है लेकिन स्टिल प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज है और रिमोट चांसेस पैसे जाने के नहीं है, तो वो डिस्क्लेयर बना देगा। कौन सोचेगा सब कुछ? रिटेलर का कोई काम नहीं। इस केस में रिटेलर हैज नो ऑब्लिगेशन, और अगर उसकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, उसका कोई पैसे नहीं जाने, तो डेफिनेटली कोई रीइंबर्समेंट प्रोविजन रिटेलर ने कुछ नहीं सोचना, मैन्युफैक्चरर ने बस सोचना। ठीक है? एनी कंफ्यूज? लेकिन जस्ट फॉर अ सेक ऑफ डिस्कशन एक सेकेंड सिनेरियो, लेट्स अज्यूम देर आर टू वारंटी एग्रीमेंट्स। वन इंडिपेंडेंट वारंटी एग्रीमेंट इज बिटवीन रिटेलर एंड कस्टमर। मतलब रिटेलर ने कहा है कि वारंटी मेरी है, अगर कोई डिफेक्ट आया तो मैं रिमूव करूंगा। लेकिन सपोज रिटेलर को एक काउंटर वारंटी मिली हुई है मैन्युफैक्चरर से भी। नॉर्मल सिचुएशन नहीं है लेकिन एग्जाम पॉइंट भी से हो सकती है। देर आर हाउ मेनी वारंटी एग्रीमेंट्स? कौन कौन सा? वन एग्रीमेंट बिटवीन रिटेलर एंड कस्टमर। अनदर काउंटर वारंटी एग्रीमेंट, मसलन मैन्युफैक्चरर ने चीजें रखवाई हैं और रिटेलर और मैन्युफैक्चरर का आपस में भी एग्रीमेंट है, और उसके अगेंस्ट रिटेलर ने जो प्रोडक्ट्स बेचे हैं कस्टमर को, उसका भी एक वारंटी एग्रीमेंट हुआ हुआ रिटेलर का कस्टमर के साथ। ठीक है? तो अनदर काउंटर में लिख रहा हूँ। काउंटर मीन्स फॉर एग्जाम्पल ये जो चीजें, अगर डिफेक्ट्स आए, डिफेक्ट्स आया चीजों में, कस्टमर की चीजों में, तो अब इस केस में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? रिटेलर। लेकिन रिटेलर को जो वारंटी मिली हुई है मैन्युफैक्चरर से, उसकी वजह से रिटेलर को क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है कि कुछ पैसे रिकवर हो जाए? तो मैं काउंटर लिख रहा हूँ, मीन्स उसे चीजें हैं वैसे किसकी, लेकिन सपोज एग्रीमेंट हुआ है रिटेलर और कस्टमर के दरमियान और मैन्युफैक्चरर ने भी वारंटी दी हुई है टू रिटेलर, तो अनदर काउंटर वारंटी एग्रीमेंट बिटवीन रिटेलर एंड मैन्युफैक्चरर। अब आपने कर ली जरा रिटेलर के बनकर जरा सोचना। लेट्स सेम हम रिटेलर के अकाउंटेंट्स हैं, रिटेलर को अब अपनी इस वारंटी के अगेंस्ट जो उसने कस्टमर को दी है, ये सोचना चाहिए कि
कि क्या कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मौजूद है एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। ईयर एंड आ गया, कौन सा पास्ट इवेंट? अब वो एस्टिमेट करेगा कि मेरे कितने मोबाइल सेल हुए हैं, कितनों पे डिफेक्ट एक्सपेक्टेड है, किस तरह का है और कितना मेरी कॉस्ट आ सकती है, क्या वो लायबल होगा? और अगर रिलायबल एस्टिमेट्स बन जाए, प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज हैं, तो रिटेलर को इस केस में क्या करना चाहिए? अपनी प्रोविजन बनानी चाहिए। डेफिनेटली अगर फॉर एग्जाम्पल एस्टिमेट्स नहीं बन पा रहे तो फिर प्रोविजन की जगह डिस्क्लोयर हो जाएगा, ठीक है। तो वो बातें मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि जरा ध्यान में आ जाए। तो लेट्स अस्यूम क्राइटेरिया अगर मीट हो गया तो रिटेलर की किसकी तरफ प्रोविजन हो जाएगा? प्रोविजन एक लाइबिलिटी है, रिटेलर की किस तरफ किसकी तरफ लाइबिलिटी हो जाएगी? कस्टमर की तरफ। अब साथ ही जब वो प्रोविजन रिकॉर्ड कर लेगा तो साथ ही ये भी सोचेगा कि क्या ये जो मेरे पैसे हैं जो कस्टमर की तरफ आउटफ्लो हो सकते हैं, इसके अगेंस्ट मुझे मैन्युफैक्चरर से कुछ रिकवरी हो सकती है? अगर तो फॉर एग्जांपल हिस्ट्री ये है कि जितना भी खर्चा रिटेलर का कस्टमर की तरफ होता है वो सारा खर्चा उसे रीइंबर्स हो जाता है मैन्युफैक्चरर से, और ये वर्चुअली सर्टन है कि दोबारा भी कभी खर्चा होगा कस्टमर की तरफ तो मैन्युफैक्चरर रीइंबर्स कर देगा। मैंने यहाँ वर्चुअली सर्टन वर्ड आप क्यों बोला? क्योंकि अब इनफ्लो होना, अब इनफ्लो होना, तो अगर तो ये वर्चुअली सर्टन है कि जितने पैसे जाएंगे उतने ही पैसे रिकवर हो जाएंगे, तो अब इस रिटेलर को प्रोविजन के साथ साथ अपना एक रीइंबर्समेंट रिसीवेबल भी बनाना चाहिए। बनाना चाहिए सर, प्रोविजन की एंट्री बता, वारंटी प्रोविजन है, वारंटी एक्सपेंस है प्रोविजन। अब इस एंट्री को सेम रखे और रिइंबर्समेंट रिसीवेबल की एंट्री करो, रिसीवेबल डेबिट। मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको अदर इनकम करवाया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने अंडर इनकम अदर इनकम रिकॉर्ड करवाया। अगर तो फॉर एग्जांपल कोई कोर्ट में केस है, तो आपका कोई पहले खर्चा अगर नहीं हुआ था और आपको रिकवरी हो रही, फिर तो अदर इनकम होगी। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आपने भी कोई खर्चा इनकर किया है, तो जिस तरह अगर हम थोड़ा सा बचपन अगर सेम ला सकें, फॉर एग्जाम्पल को स्टॉक का लॉस हुआ तो क्या एंट्री करेंगे? लॉस डेबिट, स्टॉक क्रेडिट। अब अगर ये लॉस, ये जो स्टॉक है ये इंश्योर्ड था, तो फिर इंश्योरेंस क्लेम की क्या एंट्री करेंगे? रिसीवेबल या कैश क्रेडिट, फिर लॉस नेट अप हो जाए। इसी तरह अगर फॉर एग्जाम्पल 1,00,000 रुपए का हमारा एक्सपेंस एक्सपेक्टेड है और इसी के अगेंस्ट हमें रिसीवेबल वर्चुअली सर्टन है, तो हमारी डबल एंट्री बन जाएगी रिसीवेबल डेबिट, और इसका मतलब फिर जो हमारा खर्चा होना वो नेट हो जाएगा। अब लेट्स अज्यूम अगर सारे पैसे वर्चुअली सर्टन है तो फिर ये 100,000 मीन सारी 100% अमाउंट से एंट्री हो जाएगी। लेकिन क्या ये हो सकता है कि 100% वर्चुअली सर्टन ना हो? तो फिर अकॉर्डिंगली जितना वर्चुअली सर्टन है उतने से एंट्री हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर 100% वर्चुअली सर्टन है, इसका मतलब फिर हमारा नेट खर्चा जीरो है, किस तरफ जाएगा और किधर से मिल जाएगा? अगर फॉर एग्जाम्पल 100% अमाउंट वर्चुअली सर्टन नहीं है, तो फिर फॉर एग्जाम्पल अगर 80% वर्चुअली सर्टन है, तो फिर 20,000 हमारा खर्चा लगा, ठीक है, बात समझ आ रही। लेकिन दूसरी चीज जो मैं इस वक्त कर रहा हूँ आपके सामने, लेट्स अज्यूम चले 100% वर्चुअली सर्टन है सिनेरियो में, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहे हैं, आपका नेट एक्सपेंस अब कितना आएगा? अगर 100% वर्चुअली सर्टन है तो नेट एक्सपेंस जीरो हो जाएगा, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नजर आ जाएंगे, क्या प्रोविजन अलग लायबिलिटीज में और रिसीवेबल अलग करंट एसेट्स में आ रहा होगा, इसको आपस में नेट ऑफ क्यों नहीं कर सकते? रिसीवेबल और पेबल नेट ऑफ हो जाते हैं, लेकिन अगर सेम पार्टी से कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री सिर्फ तभी होती है अगर किसी एक पर्सन से पैसे लेने और उसी को देने। यहाँ पैसे जाने किस तरफ है? कस्टमर की तरफ, और आने कहाँ से है? तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ये नेट नहीं होगा, वो आपका एसेट और लायबिलिटी अलग अलग ही नजर आएगा, ठीक है यहाँ तक। लेकिन ये सारी स्टोरी में मैंने क्या अज्यूम किया? प्रोविजन का क्राइटेरिया मीट हुआ था, देयरफॉर प्रोविजन रिकॉर्ड हुई है, और रीइंबर्समेंट अगर वर्चुअली सेटल है तो उस केस में फिर रिसीवेबल रिकॉर्ड हो सकता है। डन सर,
लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अब ये इसे सिनेरियो ए कर नंबर टू में, इफ रीइंबर्समेंट इज probable rather than virtually certain. तो अगर probable होगी तो प्रवीण एक अलग स्टोरी है, प्रवीण रिकॉर्ड करें वो अलग सोचेंगे आपके क्या आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होने हैं, रिलायबल एस्टिमेट है या नहीं. तो लेट्स सी प्रवीण आपने बना दी लेकिन virtually certain नहीं है, reimbursement जो है वो probable है, उम्मीद है इंशाल्लाह मिल जाएगी लेकिन virtually certain नहीं है. मीन्स उसे फॉर एग्जाम्पल पहले वो आएंगे चेक करेंगे फिर सोचेंगे समझेंगे फिर शायद पैसे मिलेंगे. उम्मीद तो है कि मिल जाएंगे लेकिन वर्चुअल सेटल अगर नहीं है तो प्रवीण अपनी जगह बनेगी लेकिन इस रीइंबर्समेंट का सिर्फ डिस्क्लोजर होगा. ठीक है. और अगर थर्ड सिनेरियो बना लें, इफ रीइंबर्समेंट इज पॉसिबल या रिमोट, शायद मिल जाए शायद ना ही मिले, तो देन प्रवीण अपनी जगह ज्यादा डिसाइड करेंगे, आप रीइंबर्समेंट को फिर आप इग्नोर कर देंगे. उसी तरह से हो जाएगा जिस तरह कंटिजेंट एसेट में, यहाँ इनफ्लो एक्सपेक्टेड है therefore virtually certain पे रिकॉर्ड करेंगे, probable पे disclose करेंगे, possible या remote situation होगी तो reimbursement को ignore कर देंगे. provision अलग story है, reimbursement के लिए virtually certain, probability और possible चीजें ढूंढना है. कुछ क्लियर है सर? अरे इस तरह जो मैंने बनाया आपके सामने क्लियर तो हो गया ना यार? इसको जरा बुक से पढ़ लें फिर देख लीजिएगा इसको कहाँ तक लिखने की जरूरत है. क्लियर हो गए जी? पहले इनकर इन सेंस ऑफ डजंट मींस पे हो जाए इनकर. रीइंबर्समेंट मींस अमाउंट इनकर्ड इज एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर्ड. ये जो मैंने अभी सामने आपके डिस्कशन की है इसको ध्यान में रखकर पढ़ते जाएंगे. इट अकर्स व्हेन फॉर एग्जांपल अ रिटेलर ऑफर्स अ गारंटी टू इट्स कस्टमर्स but the manufacturer in turn offers the retailer a counter guarantee. Expected reimbursement from the manufacturer should only be recognized if it is virtually certain that the reimbursement will be received and should be recognized as a separate asset, means separate receivable. सिनेरियो वन वही है जो मैंने भी आपके सामने बनाया. देयर इज अ वारंटी एग्रीमेंट बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर. इन द इंस्टेंस वेयर द रिटेलर डजंट ऑफर अ गारंटी फॉर फॉल्टी गुड्स बट द मैन्युफैक्चरर डज, फॉल्टी गुड्स वुड बी रिटर्न टू द रिटेलर हु वुड देन सेंड द गुड्स बैक टू द मैन्युफैक्चरर हु वुड रिप्लेस द गुड्स. या फिर शायद आजकल नॉर्मली सीधे ही कहाँ पहुंचते हैं आप? रिटेलर के पास जाते हैं या सीधे ही जाते हैं? रिटेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता. इन दिस केस रिटेलर शुड नॉट मेक अ प्रवीण फॉर गारंटी सिंस द गारंटी इज नॉट ऑफर्ड बाय रिटेलर. द रिटेलर हैज नो ऑब्लिगेशन बट इज मेयरली एक्टिंग एन एज एजेंट. अगर उसे मिल भी जाएंगे तो उसने आगे भेजनी. इन सच अ केस डेफिनेटली अगर उसकी लाइबिलिटी कोई नहीं है तो नो क्वेश्चन ऑफ एनी रीइंबर्समेंट. क्या क्या नहीं है? ना उसके पैसे जाने और ना ही पैसे जाने अगर है तो वापस आने का शायद पे सवाल है. सिनेरियो टू, देयर इज अ वारंटी एग्रीमेंट बिटवीन रिटेलर एंड कस्टमर. इन एडिशन रिटेलर हैज अ काउंटर वारंटी एग्रीमेंट विद द मैन्युफैक्चरर. अ रिटेलर मे ऑफर इट्स कस्टमर्स अ गारंटी दैट इज आइदर पार्शियली और फुली कवर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर. इन दिस केस सिंस द रिटेलर ऑफर्स द गारंटी द रिटेलर शुड मेक अ प्रवीण फॉर द total cost of fulfilling guarantee despite the fact the retailer may then return the goods to the manufacturer for a full or partial return. There could be following three possibilities. If reimbursement is virtually certain, then recognize a separate receivable which should not be offset against a provision for the total cost of fulfilling the guarantee. Kyun? अब ये सेपरेट रिसीवेबल बार बार आ रहा है. ऑल्दो रिजल्टेंट एसेट एंड लायबिलिटी शुड नॉट बी ऑफसेट अगेंस्ट ईच अदर द इनकम एंड एक्सपेंस मे बी इन द स्टेटमेंट ऑफ. मतलब ज्यादा नहीं कि उसको अदर इनकम बनाया, अपनी उस इनकम को आप किससे नेट ऑफ कर दें? एक्सपेंस नेट कर. मतलब कहाँ कर सकते हैं कहाँ नहीं.
एसेट लायबिलिटी स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन में नहीं, लेकिन अपना जो एक्सपेंस है उसको अपनी उस इनकम, जिसे हम इनकम बनाएंगे, इनकम बनाने के लिए क्या किया हमने, क्या क्रेडिट की जगह क्या क्रेडिट हो गया सर, इनकम बढ़ाने की बजाय एक्सपेंस कम कर दिए, तो क्या अलाउड है, कहाँ अलाउड नहीं, कहाँ है, नहीं मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में ये नहीं, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में अलाउड है, स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन में, इफ रीइंबर्समेंट इज प्रोबेबल देन डिस्क्लोज, इफ ओनली पॉसिबल देन इग्नोर। एक नजर पढ़ना जरा सेकंड स्नैरियो, तो इन चीजों को भी सर टाइम देना पड़ता है, तभी कुछ चीजें में सेट होती हैं। बारा समझ आ गई बात, अरे चंदा एग्जांपल्स करें। नेक्स्ट पेज रीइंबर्समेंट, द रिटेलर कंपनी सेल गुड्स टू इट्स कस्टमर्स दैट आर गारंटीड। अब रिटेलर जेन में रखने आपने जरा ये पांच रिक्वायरमेंट्स नीचे ही पढ़नी है। स्टेट वेदर द रिटेलर मस्ट रेज अ प्रोविजन, must create a provision raise means for the cost of meeting future guarantee obligations. तो आपने किसके एंगल से डिसीजन लेना प्लीज। नंबर एक, रिटेलर कंपनी प्रोवाइड्स द गारंटी, बस बताएं रिटेलर का कुछ करेगा, रिटेलर प्रोविजन रिकॉर्ड करेगा सर? रिटेलर कंपनी प्रोवाइड्स द गारंटी, सिनेरियो ए। रिटेलर ने गारंटी प्रोवाइड की है, क्या उसे प्रोविजन बनानी चाहिए? डेफिनेटली सारा क्राइटेरिया देखना चाहिए, अगर मीट हो रहा है तो प्रोविजन के बारे में सोचना चाहिए। मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड्स अ गारंटी, द रिटेलर इज नॉट लायबल इन एनी वे। हमारा डिसीजन किसके एंगल से सर? देखिए पांच इंडिपेंडेंट सिनेरियो, इस केस में कौन नहीं सोचेगा? सी, manufacturer provides a guarantee but the retailer company provides a guarantee irrespective of whether manufacturer honors his guarantee. Himmat, manufacturer provides guarantee but the retailer company provides guarantee irrespective of whether manufacturer honors, kya matlab hua iska? Retailer apni provision record karne ka sochega lekin saath hi kya guarantee manufacturer ki bhi hai? तो रीइंबर्समेंट का भी सोचेगा। सी का आंसर पढ़े नीचे, द रिटेलर मस्ट रेज अ प्रोविजन फॉर द फुल कॉस्ट ऑफ प्रोविजन एंड मस्ट रिकॉग्नाइज अ सेपरेट रीइंबर्समेंट एसेट टू द एक्सटेंट इट इज वर्चुअली सर्टेन टू रिसीव। अगर नहीं है वर्चुअली सर्टेन तो ठीक है, लेकिन प्रोविजन तो रिकॉर्ड करेगा। और सर जी किस किस ने गारंटी दे दी है? रिटेलर ने भी दी है, चाहे मैन्युफैक्चरर ऑनर करे अपनी गारंटी या नहीं, वो अपनी प्रोविजन अलग सोचेगा और साथ फिर ये सोचेगा कि क्या मैन्युफैक्चरर से मिलने की कोई उम्मीद है और उम्मीद किस लेवल पे है, वर्चुअली सर्टेन लेवल पे है, प्रोबेबल लेवल पे है, पॉसिबल लेवल पे, अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना। डी सर, द मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर कंपनी प्रोवाइड्स जॉइंट गारंटी, लॉ थोड़ा सा शायद, and jointly and severally accept responsibility for the guarantee. Yes sir. Iska mila meaning bata de raha. Jointly and severally means agar for example koi ek party default kare to kya dusri bhi uske liye liable ho jayegi? Dekhiye suppose hum baat samajh nahi liye, let's assume joint guarantee mein 60-40 share hai, retailer ka 60 hai और 40% शेयर है मैन्युफैक्चरर का, फॉर एग्जांपल, ये सही है? यस सर।
फॉर एग्जाम्पल अगर खर्चा होगा तो उन्होंने ज्वाइंट गारंटी दी हुई है और उनका आपस का एग्रीमेंट है कि 60-40 खर्चा हम बियर करेंगे, तो इस केस में 60% अमाउंट की प्रोविजन बनाने के बारे में रिटेलर सोचेगा, और यहाँ कोई रीइंबर्समेंट नहीं है शायद, देख नजर रखना, दोनों की ज्वाइंट गारंटी है, और अगर 60-40 है तो रिटेलर 60% अगर मैं अज्यूम कर रहा हूँ तो रिटेलर 60% प्रोविजन के बारे में सोचेगा और मैन्युफैक्चरर अपनी बुक्स में 40% प्रोविजन के बारे में सोचेगा। लेकिन क्या रिटेलर की रिमेनिंग 40% लायबिलिटी भी हो सकती है? लेकिन वो एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन के तौर पे, अनलेस एक तो है कि मैन्युफैक्चरर डिफॉल्ट करते, तो फिर अगर मैन्युफैक्चरर फॉर एग्जांपल डिफॉल्ट कर गया फिर तो रिटेलर को बाकी 40% प्रोविजन का भी सोचना है। लेकिन अगर उसने डिफॉल्ट नहीं भी किया तो क्या पॉसिबिलिटी ऑफ एन ऑब्लिगेशन हो सकती है उस हिस्से की जो मैन्युफैक्चरर ने कमिट किया है? तो 60% प्रोविजन बनेगी और 40% अमाउंट के अगेंस्ट पॉसिबल ऑब्लिगेशंस का कंटिंजेंट लायबिलिटी का डिस्क्लोजर बनेगा इफ द आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज आर नॉट रिमोट। इस पेज के नीचे था, पर इस पेज के नीचे पिछले पेज पर है, पेज नंबर 82 का, पेज नंबर 82 के एंड पे स्टोरी सी पढ़ी थी कल, क्या पॉसिबल ऑब्लिगेशंस भी डिस्क्लोज होती हैं? लेकिन कब नहीं होती? अगर उनका आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस का चांस रिमोट हो जाए तो दोबारा याद रखना, अगर जॉइंट गारंटी है तो जितना शेयर रिटेलर का है उसकी तो वो प्रोविजन बनाएगा, लेकिन जितना उसका शेयर नहीं है उसको एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन के तौर पे डिस्क्लोज करेगा अनलेस चांसेस ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज ऑफ दैट 40% अमाउंट इज रिमोट। क्या मतलब? मैन्युफैक्चर कभी नहीं भागा, मैन्युफैक्चर कभी हमारे जैसा नहीं निकला, तो ऐसे उस पर शक नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर लग रहा है कि वो मेरे जैसा निकल सकता है, निकल सकता है, तो फिर आप डिस्क्लोजर दे देंगे किस नाम से? कंटिंजेंट लायबिलिटी के नाम से पॉसिबल ऑब्लिगेशन। और अगर वो मेरे जैसा निकल आया है तो फिर आप रिमेनिंग 40% की भी प्रूविंग कर। तो एक नंबर सिनेरियो वन, फॉर एग्जाम्पल 60% 60-40 का शेयर है तो 60% का क्या करेंगे? प्रोविजन बनाएंगे, ठीक है। और अगर रिमेनिंग 40% जाने का रिमोट चांस है फिर तो इग्नोर कर, रिमोट चांस है जाने का रिमेनिंग 40% फिर तो उसको इग्नोर कर देंगे। लेकिन अगर रिमेनिंग 40% का रिमोट चांस नहीं है तो उसे डिस्क्लोज करेंगे अनलेस मैन्युफैक्चरर वाकई डिफॉल्ट कर जाए, और अगर वो डिफॉल्ट कर गया फिर तो वो 40% भी हमारा ही शेयर ऑफ प्रीमियम बन जाए। एक सेकंड इसका आंसर पढ़ना, फिर अगर अगर क्लैरिटी नहीं फिर दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। द पोर्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द रिटेलर इज एक्सपेक्टेड टू पे इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्रोविजन। डेफिनेटली इट इज अंडरस्टूड के वो सारे क्राइटेरिया देखा गया था ना। वेयर एज द प्रोविजन पोर्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर इज एक्सपेक्टेड टू पे इज डिस्क्लोज एज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी इन केस द मैन्युफैक्चरर डज नॉट ऑनर हिज ऑब्लिगेशन, ब्रैकेट में लिखा, अनलेस बर्ड बोले सिर्फ रिमोट नहीं कुछ और भी बर्ड है। अनलेस क्या इज रिमोट? अनलेस पॉसिबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज इज इज नॉट रिमोट इज रिमोट है। अब अनलेस भी लिखा रहा हूं मैंने पहले, अनलेस द पॉसिबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज रिमोट, क्या मतलब फिर इसका? अगर रिमोट होगा तो डिस्क्लोजर भी नहीं देंगे, और अगर वो डिफॉल्ट कर गया है अपनी इस कमिटमेंट से मैन्युफैक्चरर, अपनी इस कमिटमेंट से मैन्युफैक्चरर ने हाथ उठा दिए हैं तो देन फिर रिमेनिंग 40% भी हमारा क्यों बन जाएगा? क्योंकि जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। एनी कंफ्यूजन फाइंड जर्नल स्टूडेंट्स? तो फिर तो शायद 100% नहीं, जॉइंटली एंड सेवरली भी अगर है
तो हम अपने हिस्से के साथ साथ उसके हिस्से के भी रिस्पॉन्सिबल हैं। नहीं नहीं, उसको प्रवीण बनाना चाहिए। अगर सारा क्राइटेरिया मीट हो गया तो अब आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बन गई है। अगर पॉसिबल लेवल पे है कि कहीं भाग ना जाए तो फिर तो डिस्क्लोजर है, और अगर कमिटमेंट से मुकर गए तो जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबिलिटी का मेरा यही मतलब है कि फिर आपकी बन गई है तो फिर आप 100% अमाउंट के बारे में सोचो। ठीक किया। और है, और डिफॉल्ट करने की उम्मीद भी कोई नहीं है तो इग्नोर कर दें। एक मिनट, एक ही कर दें। मैंने फैक्चुअली डिफॉल्ट नहीं किया और उसकी उम्मीद भी कोई नहीं तो इग्नोर कर दें। सिर्फ अपने 60% की प्रवीण के बारे में सोचें। मैंने फैक्चुअली डिफॉल्ट नहीं किया लेकिन खतरा है कर सकता है तो उसका डिस्क्लोजर है। किसका डिस्क्लोजर है? ये डिस्क्लोजर नहीं देना कि वो डिफॉल्ट कर सकता है, ये डिस्क्लोजर देना है कि रिमेनिंग 40% भी हमारी लायबिलिटी हो सकती है। और अगर मैन्युफैक्चरर ने डिफॉल्ट कर दिया है तो फिर आप 100% लायबिलिटी हमारी हो गई। ठीक है, क्या कोई रह गया सिनेरियो? कौन सा? नहीं, अब सप्लायर की जगह मैन्युफैक्चरर पर लगा लेता हूँ जो बात हो रही है। किया रिटेलर ने सॉरी लायबिलिटी पे कर दी है वो क्यों कर दी सर? जी सर, जी लायबिलिटी जाने दें सर, अपना अपना हिस्से की रिस्पॉन्सिबल होंगे ना। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स वापस आती हैं, गुड्स वापस आती हैं, उनमें कोई डिफेक्ट निकल आता है, सर जी चांस तो देंगे। वो चाहे जिसे मर्जी ले, लेकिन बाद में शेयरिंग होगी ना। 60 66 नहीं सर जी, अगर फॉर एग्जाम्पल 100 आपके एंकर हो भी गया तो आप 60% के रिस्पॉन्सिबल होंगे, बाकी 40 आपने ले लेना। और वैसे भी आप 100% पे क्यों करेंगे? अगर ये डिसाइड हुआ होगा कि कोई और, कोई एक बंदा फर्ती तौर पे कर दे और बाद में डिवाइड हो जाए, तो इसमें कोई रिइम्बर्समेंट वाली बात इसलिए नहीं है कि रिइम्बर्समेंट वाली बात तब होगी कि अगर आपको कोई सेपरेट वारंटी मिली हो। तो यह इकट्ठी वारंटी है जिसमें आप अकॉर्डिंगली अपने अपने शेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एक ये है कि जरा जो सेकंड सिनेरियो सी था, जो सी पे जरा देखो, एक ये है कि रिटेलर ने वारंटी दी है और इस कमिटमेंट के साथ कि मैन्युफैक्चरर वारंटी ऑनर करे या ना करे, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो उस केस में रिटेलर 100% प्रवीण बनाएगा। हाँ, अगर उसे वारंटी मिली हुई है उस किसे, अब दोनों ने मिलकर कस्टमर को वारंटी नहीं दी, रिटेलर की अपनी वारंटी है और रिटेलर को कस्टमर से मिली हुई है। सर जी, ज्वाइंटली एंड सेवरली मेरा ख्याल है गारंटी का मतलब है कि दोनों पार्टीज ने मिलकर गारंटी दी है और कोई भी एक पार्टी अगर डिफॉल्ट करेगी तो कस्टमर को इससे कोई कंसर्न नहीं है। जो हिस्सा रह जाएगा उन दो में से जिन्होंने गारंटी दी है वो दूसरे की लायबिलिटी बनती है। मेरा ख्याल तो ये है, कस्टमर इज नथिंग टू डू विद द कि किसने गारंटी मुझे दी है, ये दी जिन्होंने है उनके अपने अपने हिस्से होंगे, और अगर कोई एक हिस्से का डिफॉल्ट होगा तो वो जो हिस्सा है वो दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी का रखा। ऐसे ही है, अच्छा तो अगर फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए का खर्चा आया चीजों के डिफेक्ट्स को रिमूव करने में, तो अकॉर्डिंगली जितने जितने परसेंट उन्होंने शेयर किया होगा ये किसको मेरा ख्याल पता होगा और किसका इससे लिंक नहीं है। मेरा ख्याल इन्होंने आपस में डिसाइड किया होगा, तो वो इसका जो भी खर्चा होगा अगर टेम्परेरी तौर पर कोई एक कर भी लेगा तो बाकी उसको डेफिनेटली एक आपस में सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल दूसरी पार्टी जो है वो अपनी इस कमिटमेंट को ऑनर नहीं करती, तो जो पार्टी रिमेनिंग रह जाएगी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बन जाएगी। लेकिन जब तक बने ना, जब तक डिफॉल्ट नहीं हुआ तब तक एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन का डिस्क्लोयर होगा, अनलेस उसके भी चांसेस रिमोट होंगे वो दूसरी पार्टी है वो डिफॉल्ट करेगी। ठीक है, वर्ड्स ले रहा हूँ, आप कुछ रह गया? तो जो नहीं, नॉर्मल सिचुएशन तो मेरा ख्याल है वो, तो मेरा ख्याल एक ही सिचुएशन है जिसका प्रैक्टिकली आपको आइडिया, वो कौन सी है? मैं मैन्युफैक्चरर में वारंटी देता, अदरवाइज तो मेरा ख्याल नॉर्मली आम हालात में शायद कोई और सिनेरियो आएगी। क्या ख्याल है मेरा? तो आप तो ज्यादा में से बेहतर बताओगे। नहीं, और सर जी अनलेस के साथ ही ये सेंटेंस पूरा होगा यार, और सर इसके साथ बात फुल स्टॉप लगाएं, और एक और लाइन इसके बाद लिख लेते हैं, इफ मैन्युफैक्चरर हैज डिफॉल्टेड
देन रिकॉग्नाइज द प्रोविजन ऑफ दैट शेयर। मेरा ख्याल बात अभी पूरी हुई है ब्रैकेट लिखी, जो ब्रैकेट से बाहर लिखा है वो बात ब्रैकेट में लिख के शायद पूरी हुई, वरना लग ऐसे रहा था कि शायद हमेशा डिस्क्लोजर देना, लेकिन कब डिस्क्लोजर भी नहीं देना। ठीक है जी, क्लियर है सर जी? लास्ट स्लाइड सर, मैन्युफैक्चरर रिटेलर कंपनी प्रोवाइड्स अ जॉइंट गारंटी वेयर दे शेयर द कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग द गारंटी। रिटेलर इज नॉट लायबल फॉर द अमाउंट्स दैट द मैन्युफैक्चरर मे फेल टू पे। शायद ये गारंटी जॉइंट तो है लेकिन सेवरल नहीं, सेवरली नहीं है। इस केस में कोई फाइनल ओपिनियन बताओ, बस अपने हिस्से की प्रोविजन के बारे में सोचेगा और दूसरे हिस्से को कंप्लीटली इग्नोर क्यों करेगा? लेकिन अगर मैन्युफैक्चरर ने डिफॉल्ट कर दिया तब भी कुछ नहीं होगा, तब भी इसकी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो बस वो कितने परसेंट प्रोविजन की बारे में डिसीजन लेगा और किसको सिंपली वो इग्नोर रखेगा। इस केस में कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी का डिस्क्लोजर नहीं होगा। ये पढ़ी गई ई कहां से? ठीक है जी सर, कुछ क्लियर हो गया? जरा सिनेरियो डी में जाए और एक सेकंड जरा मैन्युफैक्चरर के एंगल से बताएंगे। अगर मैन्युफैक्चरर के एंगल से इस स्टोरी को समझाएंगे तो 40% का क्या करेगा? प्रोविजन के बारे में सोचेगा और बाकी 60% का वो बिल्कुल उसी तरह सोचेगा। मीन्स जितना जितना हिस्सा इनिशियली उतना उतना ही रिकॉर्ड होगा, लेकिन अगर सेवरली रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो रिमेनिंग पोर्शन के बारे में डिस्क्लोजर का, इग्नोर का या रिकॉर्डिंग का डिसीजन वो भी बन सकता है या बन गया होगा या हो सकता है उसके बनने का चांस ना। अगर कंटिंजेंट लायबिलिटी का डिस्क्लोजर दे रहे हैं तो फिर उसकी डबल एंट्री क्या होती है? पेज नंबर 82 पर जाइएगा। इसमें लेफ्ट जो तीन जो कॉलम्स बने हुए इसमें लेफ्ट कॉलम पढ़ूंगा। अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होगी, क्राइटेरिया मीट होगा तो डबल एंट्री होगी किसकी? प्रोविजन की। अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है लेकिन कोई एक चीज भी रह गई तो प्रोविजन की रिकॉर्डिंग का सवाल खत्म हो गया, डबल एंट्री खत्म हो गई। अब सिर्फ क्या होगा? डिस्क्लोजर का मतलब एक इंग्लिश में पैराग्राफ लिखना इन द नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडर द हेडिंग ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी? कंटिंजेंट लायबिलिटी का सिर्फ बेटा डिस्क्लोजर होता है। और अगर एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन है लेकिन रिमोट नहीं है, अगर एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन है और आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज रिमोट नहीं है तो उसका भी क्या होगा? डबल एंट्री सिर्फ कब होगी? जब क्राइटेरिया मीट होगा फिर प्रोविजन की डबल एंट्री होगी। कंटिंजेंट लायबिलिटी का डिस्क्लोजर दो सिचुएशंस में बनता है। कौन कौन सी दो सिचुएशंस में? एक ऐसी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जिसका सारा क्राइटेरिया मीट नहीं हो सका, और पॉसिबल ऑब्लिगेशन अगर है तो उसके अगेंस्ट तो बनना ही सिर्फ डिस्क्लोजर। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी का पैराग्राफ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन विच हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज बिकॉज द क्राइटेरिया इज नॉट मेट की वजह से बनता है, और दूसरा ऐसी पॉसिबल ऑब्लिगेशन के लिए बनता है जिनका प्रोबेबिलिटी जिनके अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज रिमोट ना हो। तो व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी? इंग्लिश स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से मिला रहा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कंटिंजेंट लायबिलिटी आपको किस हेडिंग में नजर आएगी? कंटिंजेंट लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नहीं है, ये कहां है? ये नोट्स में एक डिस्क्लोजर है सिर्फ शेयर होल्डर्स को बताना। ठीक है, डबल एंट्री करके उसी तरह चले अचानक मेरे ज़हन में आया डिविडेंड की इधर एंट्री बोलना, डिविडेंड डेबिट डिविडेंड क्रेडिट। लेकिन अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ बैलेंस डेट के बाद और ऑथराइजेशन से पहले पहले तो फिर कोई डबल एंट्री आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नजर नहीं आएगी। आप नोट्स में जाके सिर्फ शेयर होल्डर्स को
एक लाइन लिख के बता देंगे कि द मैनेजमेंट हैज डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, फॉर एग्जांपल 10% 20% व्हिचएवर इज अगेंस्ट। ठीक है सर जी। सर पेज नंबर हम है पेज नंबर 84। नेक्स्ट लाइन एक और लिखिए सर, इमीडिएटली आफ्टर द एग्जांपल्स छोटे छोटे पर सिनेरियोस कर लें फिर डेफिनेटली कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन पे आते हैं। हमारी गाड़ी की लाइट तोड़ दी, इस कंपनी वालों ने अपनी गाड़ी टकरा के लाइट तोड़ दी, उसमें कोर्ट में केस पहुंच गए, 100 रुपया 200 रुपया जाना, तो कंपनी से एंगल से सिग्निफिकेंट अमाउंट है। तो अगर सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं है तो ना तो उसकी एंट्री की जरूरत है और ना ही कोई डिस्क्लोजर करने की। तो ये सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ये मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट्स हैं। तो मटेरियल अगर अमाउंट होगी तभी उसकी एंट्री है, तभी उसका डिस्क्लोजर। तो प्रोविजन भी अगर कोई मटेरियल अमाउंट है तभी उसकी उसके बारे में सोचेंगे, अगर कोई इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है। असल में मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट मीन होता है ऐसी अमाउंट जिसकी ओमिशन या मिस स्टेटमेंट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स के डिसीजंस पे इफेक्ट पड़े। तो अगर फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी जिसके 5 अरब रुपया सेल है, 10 रुपए की सेल रह गई, मीन्स इन मटेरियल ऑडिट वगैरह में थोड़े होंगे आपके, तो मटेरियलिटी वहां भी है, ऑडिटर भी देखता है कि कौन कौन सी चीजें मैं चेक करूँ। नहीं लेकिन वो बहरहाल वो ऑडिट के लिए, वो अकाउंटिंग के लिए रूल नहीं है, और ऑडिटर ने तो करना ही सैंपल बेसिस पे होता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट अपनी जगह, लेकिन मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट अब डिपेंड करेगा कंपनी टू कंपनी। एक कंपनी है जिसकी सेल ही 100 रुपए और 10 रुपए की सेल 10% हो जाएगी, तो ये डिपेंड करेगा। मटेरियलिटी डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, हर बंदे के लिए अपना अपना, मतलब जरूरी नहीं हर बंदे के लिए 1 लाख रुपया मटेरियल हो और किसी के लिए हो सकता है टू मच मटेरियल हो, तो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करेगी। ठीक है सर, ठीक पीछे पड़ गए। ई के नीचे आंसर जो है सर, ई का उसके नीचे एक बोर्ड लाएंगे सर, अमाउंट रिकॉग्नाइज्ड एज प्रोविजन कैन नॉट बी मोर देन द अमाउंट ऑफ रीइंबर्समेंट। आप पढ़ दें, मैंने क्या पढ़ा, आप पढ़ दें। क्या चीज किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्या प्रोविजन रीइंबर्समेंट ज्यादा हो सकती है? एक एग्जांपल देख लें फिर इस लाइन को समझते हैं। द रिटेलर कंपनी एस्टिमेट्स दैट इट विल कॉस्ट 1 लाख टू फुलफिल इट्स ऑब्लिगेशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द गारंटीज ऑफर्ड टू कस्टमर। मैन्युफैक्चरर हैवर ऑफर्स अ गारंटी टू द रिटेलर, शो द रिलेटेड जनरल एंट्रीज अज्यूमिंग दैट नंबर 1 entire 1 lakh is virtually certain of being received from manufacturer. ये एंट्री से बताएं, वारंटी एक्सपेंस प्रोविजन क्या रिटेलर रिस्पॉन्सिबल है? फर्स्ट लाइन एग्जाम्पल की है, लेकिन क्या उसे मैन्युफैक्चरर से कोई गारंटी मिली हुई है और कितनी अमाउंट ही वर्चुअली सर्टन है? तो 1 लाख के एंट्री रिसीवेबल डेबिट एंड वारंटी एक्सपेंस, तो ये तो वही बात होगी जो हमने कर दी, वो तो कहते हैं शैल नॉट एक्सीड। लेकिन अब मैं इधर एक मिनट सेकंड सुनाइए, इधर इधर ही रिक्वायरमेंट भी इधर इधर नेक्स्ट पेज पे कहां चलेगा। कॉमन सिनेरियो ये है कि रिटेलर ने एस्टिमेट किया कि 1 लाख खर्चा होगा वारंटी को फुलफिल करने में, लेकिन बी में लिखा हुआ है, अब एंट्रीज करनी वंस अगेन, अमाउंट ऑफ 1,20,000 इज वर्चुअली सर्टन ऑफ बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। कितना खर्चा एक्सपेक्टेड है और कितनी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट वर्चुअली, अब डेफिनेटली ये भी एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं, लेकिन फॉर एग्जांपल रिटेलर ने कहा है कि मेरी गुडविल का सवाल है, अगर ये आपकी प्रोवाइड की हुई चीजों में कोई मसला हुआ तो मैं एक्स्ट्रा पेनल्टी के तौर पर भी पैसे लिया करूंगा, और सपोज मैन्युफैक्चरर कोई आम मोबाइल कंपनी है और रिटेलर आप जैसे लोग हैं जिसकी दुकान पे चीज रखने का मतलब होता है कि कस्टमर आके भाग भाग के ये देंगे। तो
इन दैट केस क्या चीज किससे ज्यादा हो सकती है, अमाउंट ऑफ प्रोविजन, रीइंबर्समेंट की अमाउंट से या रीइंबर्समेंट की अमाउंट? अब स्टैंडर्ड ही कहते हो ऊपर लाइन पर एग्जांपल के तौर कि अमाउंट रिकॉग्नाइज्ड एज रीइंबर्समेंट, वो ये नहीं कह रहा रीइंबर्समेंट की अमाउंट ज्यादा नहीं हो सकती, वो कहता है जो आप रीइंबर्समेंट की अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे उसको किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। असल में यहाँ दोबारा एक दफा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आ रहा है, मींस उसे इस केस में जरा एंट्रीज बनाया जरा वारंटी एक्सपेंस डेबिट, वारंटी एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट, अब आए जरा रीइंबर्समेंट पे, वर्चुअली सर्टेन कितना है? लेकिन अगर स्टैंडर्ड अप्लाई करें तो रिसीवेबल मैक्सिमम कितना डेबिट होगा? लेट मी फिनिश दैट, इट मींस एंट्री सेम रहेगी। स्टैंडर्ड चाहता ये कि अगर एक्स्ट्रा अमाउंट है जो आपको लग रहा है कि आपको, बल्कि लग भी रहा है वर्चुअली सर्टन भी है, तो उसको फिर तभी रिकॉर्ड करें जब एक्चुअली रिसीव हो। रिसीवेबल बेसिस पे अमाउंट ऑफ रीइंबर्समेंट प्रोविजन से ज्यादा ना बनाए, जितनी एक्स्ट्रा अमाउंट है वो तभी रिकॉर्ड करें जब रिसीव हो। कहां तक रिसीवेबल बना लें, मीन्स उसे फॉर एग्जांपल अगर बाकी 120 मिल गया हमें तो एंट्री करवाएं जरा रिसीवेबल क्रेडिट, रिसीवेबल क्रेडिट 1 लाख और फिर बाकी को अदर इनकम ही बनाए, लेकिन वो रिसीट बेसिस पर कितना तक रिसीवेबल बना लें और एक्स्ट्रा अमाउंट जो है उसके लिए जरा कॉन्शियस ही रहें, मिलेगी तो ठीक है और नहीं मिलेगी फॉर एग्जांपल तो, वरना सब फॉर एग्जांपल अगर ना मिले, आपने 120 रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लिए और बाद में अगर ये पैसे ना मिले तो कुछ बैड डेट्स टाइप रिकॉर्डिंग करनी पड़नी है, तो उस चक्कर में पड़ने की बजाय एक्स्ट्रा अमाउंट को कब ही रिकॉर्ड करें, तो कहाँ तक अक्रूअल बेसिस पर कर लें, जितनी प्रवीण की अमाउंट है और अगर उससे ज्यादा एक्सपेक्टेड है तो वो रोक नहीं रहा लेकिन अक्रूअल बेसिस पर नहीं, एक्स्ट्रा कैश बेसिस पे रिकॉर्ड। तो ये वाली जरा एंट्रीज है सिनेरियो बी की, नेक्स्ट पेज पे लिखनी नहीं, आप जरा नीचे लिखो पेज नंबर 34। वो स्टैंडर्ड हो गया नहीं जी, साथ साथ चल रहे ना 20, जितनी बातें होती ना उसको सोच लेते हैं। स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज नहीं आता? पेज आपको क्या था पढ़ने पर आपको भी पता चला नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो सारी बातें होगी नहीं, वैसे पेज 86 पे गए। पेज 86 के एंड पे लेजर के नीचे क्या लिखा नजर आ रहा है? यूज ऑफ प्रवीण, लिखा हुआ प्रोविजन शैल बी यूज्ड फॉर एक्सपेंसेस क्रिएटेड, क्या मतलब? नहीं, यूज्ड मींस प्रोविजन इस्तेमाल कब होगी, सही तरह से क्लियर की बात करो, बोर्ड पे देखेंगे। सपोज 30 जून 2021 एज ऑन आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन आपने एक बनाई, उसमें
प्रोविजन फॉर वारंटी आ रही है सपोज 1 मिलियन, प्रोविजन फॉर ग्रेजुटी आ रही है सपोज 1.5 मिलियन, ये सही है चीज आ जाते हैं मैडम। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आ रही है 8 लाख, तीन प्रोविजन आ रही है किस डेट पे, क्या एंट्रीज कर चुके हैं आप, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, आप तीनों के अगेंस्ट में एक्सपेंस रिकॉर्ड किया आपने। लेट्स अस्यूम ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ड्यूरिंग 2022 नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, इस वारंटी प्रोविजन के अगेंस्ट एक्चुअली कैश आउटफ्लो हो गया 12 लाख, हो सकता है कम ज्यादा हो सकता है सर, एक एस्टिमेटेड अमाउंट है प्रोविजन, एक एस्टिमेटेड अमाउंट है, तो ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, हमने कोशिश तो पूरी की होगी एक बेस्ट एस्टिमेट बन जाए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एस्टिमेट कभी भी हम बनाएंगे तो देयर इज अ चांस कि एस्टिमेट में चेंज आ जाए। तो लेट्स सेम 12 लाख का खर्चा होगा वारंटी प्रोविजन के अगेंस्ट, डबल एंट्री पूरी करवाएं, कैश तो क्रेडिट कर दिया, प्रोविजन डेबिट कितने से, कैश तो 12 लाख चला गया, क्या फर्दर एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए, हमने पहले कितना खर्चा रिकॉर्ड किया होगा, तो 12 टोटल हो गया, 2 लाख और रिकॉर्ड होना चाहिए, लेकिन ये भी तो हो सकता है ये प्रोविजन फॉर ग्रेजुटी पड़ी है थोड़ी सी वो डेबिट करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन पड़ी थोड़ी सी वो डेबिट करते हैं, तो यही स्टैंडर्ड कह रहा है, लिखकर आपसे पूछा गया पहले, वो कहता है प्रोविजन शैल बी यूज, यहाँ का मतलब ये कि प्रोविजन इस्तेमाल मीन्स जब वो पेमेंट हो रही है उसकी तो उसे सिर्फ उसी मकसद के लिए इस्तेमाल करें जिसके लिए वो बनाई गई थी, और अगर एक्स्ट्रा के पैसे चले गए या कम चले गए तो बैलेंसिंग फिगर पर एक्सपेंस डेबिट क्रेडिट करके खत्म करें, मीन्स टू से अगर फॉर एग्जाम्पल प्रोविजन फॉर ग्रेजुटी पेमेंट हुई है तो उसकी एंट्री करते हुए प्रोविजन फॉर ग्रेजुटी की अमाउंट को इस्तेमाल करें, अगर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की पेमेंट हुई है तो प्रोविजन फॉर टैक्स की अमाउंट को इस्तेमाल करें, ये नहीं कि पेमेंट किसी और की और इस्तेमाल किसी और प्रोविजन को आप करते रहें, ठीक है, तो बात तो आई थिंक सिंपल ही है लेकिन मीनिंग अब क्लियर हो गई, आप बता रहे हैं क्या मतलब है? इस पर्पस के लिए प्रोविजन बनी थी उसे उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल करने का मतलब जब पेमेंट करेंगे तो उसी पर्पस के लिए डेबिट करें, और अगर एक्स्ट्रा फैक्ट है फॉर एग्जाम्पल अगर 8 लाख पेमेंट होती है आपकी तो इसका मतलब फिर हमने एक्सपेंस पहले ज्यादा रिकॉर्ड किया होता, तो फिर 2 लाख से एक्सपेंस ही क्रेडिट करें, ये नहीं कि किसी और प्रोविजन को क्रेडिट कर दें, बना ले मतलब स्पेस बना ले थोड़ी सी बन जाएगी, ठीक है, ये जो मैंने कल क्वेश्चन दिया था और आज दे रहा हूँ इनको सीरियस लेना आप लोगों ने, ये इसमें पूरी उम्मीद है कि IAS 8 कम से कम कहीं ना कहीं पुराना बीच में मिक्स होना ही होना होना हो बहरहाल, लेकिन अगर होगी बात इसको सीरियस लेना, और सीरियस लेने का मेरा मतलब है करना है, और ये कोई जवाब नहीं हो गया है वो बुक में हुआ है, इन दिनों के हम यूटिलाइज करेंगे इस तरह के टॉपिक्स के लिए और पिछले भी, फिर अगर दोबारा कंसोलिडेशन की तरफ फुल फ्लेज आ जाना, मेरा ख्याल हफ्ता और रहेगा बस, ये नोट हो गए
यहां से ऑनवर्ड्स अगर कभी मैं आपसे कहूं कि प्रोवियन यूज्ड की एंट्री बताएं, प्रोवियन डेबिट कैश क्रेडिट ध्यान रखिएगा, बाकी का डिफरेंस होगा ऑब्वियसली वो सोच रहे हैं। तो व्हाट इज द डबल एंट्री प्रोवियन यूज्ड, व्हाट इज द डबल एंट्री प्रोवियन क्रिएटेड, प्रोवियन रेज्ड, ये एंट्री लिख रहे हैं फाइनेंस। प्रोवियन डेबिट कैश क्रेडिट का मीनिंग बात हो रही है। जी एनी फाइनल कंक्लूजन, ओके हो गया प्लीज। नेक्स्ट लाइन सर, अदर स्पेसिफिक इश्यूज ना करें सर जी, इसमें बोर होने वाली कोई बात नहीं, टू मच टाइम लेफ्ट। कॉन्ट्रैक्ट जितने की चीज इंग्लिश लिखी हुई इसको अभी पढ़ने से पहले नेक्स्ट पेज पर एग्जाम्पल करूंगा, एग्जाम्पल करने के बाद पढ़िए। स्टार्ट ऑफ द पेज नंबर 87 लिखा हुआ है ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, एग्जाम्पल ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, इसको समझने के एग्जांपल देखें। कंसोलिडेट है, इग्नोर अदर्स। सीलियम लिमिटेड एंटर्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म सर्टेन सर्विसेज, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 80,000, द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग दीज कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैव बीन रिसेंटली रीअसेस्ड टू बी 1,40,000. No work has been done. No work has yet been done. A penalty of 30,000 is payable if the contract is to be cancelled. दोबारा first line पे आ रहा। Senium Limited entered no contract. एक contract में हम enter हुए हैं। Total contract price से मुराद क्या है? मतलब ये सारा अगर नीचे पड़े तो मतलब क्या मतलब बनता है इसका? नहीं, 80,000 क्या है, ये रेवेन्यू है सर। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एक वर्ड अंडरलाइन करो, एक है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट वो हमारा खर्चा है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रेवेन्यू के एंगल से बात होगी। अब जरा लिंक करें फर्स्ट और सेकंड लाइन को, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग दीज कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैव बीन रिसेंटली रीअसेस्ड, कितने खर्चे की उम्मीद है और कितने पैसे मिलने हैं। अब डेफिनेटली इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि जब हमने कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट किया होगा उस वक्त हमें लॉस एक्सपेक्टेड होगा और हमने साइन कर दिया होगा। यकीनन उस वक्त आपने उस वक्त के सर्कमस्टांसिस के मुताबिक कुछ ना कुछ अपने पैसे रख के प्राइस पे फाइनल डिसीजन एग्री किया होगा, लेकिन क्या ये हो सकता है कि समटाइम्स एग्रीमेंट में लिखा हो कि अगर बाद में कॉस्ट इंक्रीज हुई तो वो फिर उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जिसने कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने बिल्डिंग बना किसी को देनी है और एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि बाद में अगर स्टील की प्राइसेस या सीमेंट की प्राइसेस इंक्रीज हुई तो उसका कस्टमर से कोई ताल्लुक नहीं होगा और फिर आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और अगर आपने सपोज एग्री कर लिया और बाद में प्राइसेस इतनी बढ़ गई कि अल्टीमेटली लॉस होना शुरू हो गया है तो क्या आपको इवन देन अपना कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना पड़ेगा? तो शायद उसी तरह कुछ हुआ है। तो व्हाट इज द रेवेन्यू अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्ट 80,000। अब दोबारा सेकंड लाइन पढ़ना, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग दीज कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस जब रिसेंटली रीअसेस की गई है तो अब कितना खर्चा एक्सपेक्टेड है? काम अभी शुरू नहीं हुआ लेकिन एक चीज बीच में और लिखी हुई है, क्या कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट करने के लिए भी समटाइम्स कोई पेनल्टीज वगैरह हो सकती है? तब अपना अपने आप को ये सीडीएम लिमिटेड समझे और अपना जरा ओपिनियन बता दें कि आप क्या पे क्या करेंगे। अगर पेनल्टी 1,00,000 हो जाए, लॉस एक्सपेक्टेड कितना है इस पे?
60 कहाँ से आ गया यार, जाने दो। 140 खर्चा एक्सपेक्टेड है, 80,000 रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है, तो यकीनन 140 में से 80 तो रिकवर हो जाएगा, लेकिन वी आर एक्सपेक्टिंग अ लॉस ऑफ 60,000। तो एक रास्ता ये है कि हम कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके 60,000 का लॉस बियर करें, और एक दूसरा रास्ता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके 30,000 नुकसान बर्दाश्त करें। तो किस तरफ जाएंगे हम? लेकिन अगर ये पेनल्टी की अमाउंट ज्यादा हो जाए तो हायर ऑफ की तरफ जाएंगे या लोअर ऑफ? अब ये लॉस एक हमें एक्सपेक्टेड है, हो गया लॉस एक्सपेक्टेड, क्या इसके अगेंस्ट कोई प्रोविजन होनी चाहिए? क्या कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है? तो पास्ट इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज है, तो रिलायबल अमाउंट्स है, क्या है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन? या काम करें या पैसे दें। तो पास्ट इवेंट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट की साइनिंग है, शायद लीगल ऑब्लिगेशन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज और रिलायबल एस्टिमेट कौन सा है, हायर ऑफ या लोअर ऑफ? अब रिलायबल एस्टिमेट ऑफ द लायबिलिटी अल्टीमेटली क्या है, लोअर ऑफ लेंगे हायर ऑफ लेंगे? किस किस का कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट, नेट कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट, व्हिच इज 60,000 नेट कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग, और पेनल्टीज ऑफ फाइंस, व्हिच एवर इज हायर या व्हिच एवर इज लोअर? दोबारा, क्या इसके अगेंस्ट कोई प्रोविजन होनी चाहिए? क्यों? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, नहीं है, है क्या ऑब्लिगेशन है? कॉन्ट्रैक्ट की वजह से एक ऑब्लिगेशन बनी हुई है जिसके अगेंस्ट आप पैसे जाने हैं। हम मैक्सिमम क्या चूज कर सकते हैं कि किस तरफ जाना है, वरना या क्या करना पड़ना, या क्या करना पड़ना, या काम पूरा करके लॉस बियर करना पड़ना या पेनल्टी दे, तो ऑब्वियसली हमें किस तरफ चला जाना चाहिए। अच्छा, हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से शायद यही लोअर ऑफ डिसीजन लेंगे मींस वर्किंग करते हुए, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर हम बिजनेस के एंगल से सोचें तो शायद ये डिसीजन भी लिया जा सकता है कि गुडविल का लॉस ना हो जाए और देयरफॉर काम पूरा कर ही लें, वरना अगर इन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम सिर्फ इसलिए कि चंद पैसे बच रहे हैं छोड़ना शुरू कर देंगे तो शायद अगले कॉन्ट्रैक्ट्स भी हमें लोग देने में इंटरेस्टेड ना हो। लेकिन इवन देन हमारा मैनेजमेंट डिसीजन जो मर्जी हो, हमारी जो लाइबिलिटी की अमाउंट होगी वो लोअर ऑफ की बेस पे रिकॉर्ड होना चाहिए। बात समझ आ गई? तो ओनरस कॉन्ट्रैक्ट एक वर्ड है, ओनरस कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग होता है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसपे लॉस एक्सपेक्टेड, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ये लिखी हुई डेफिनेशन मैंने वैसे ही बताया। ओनरस कॉन्ट्रैक्ट टर्म है एक IS-37 की, विच मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच अनअवॉइडेबल कॉस्ट एक्सीड इकोनॉमिक बेनिफिट्स। आज एक मिनट पिछले पेज पर, सर्टन अमाउंट अगर हो भी तो टाइमिंग अब लाइबिलिटी का, लेकिन अभी भी ये जो 140 ये हमारी असेसमेंट है, एस्टिमेटेड फिगर है ये भी। पेनल्टी भी तभी फाइनल होती है जब शायद कोर्ट फैसला करता तो ठीक है, लेकिन वैसे भी अगर एक चीज सर्टन हो भी तो सर टाइमिंग दोनों दोनों जरूरी नहीं होती। क्या क्या चीजें वैसे अनसर्टन हो सकती है? देख सकेंगे दोबारा पढ़ के वापस आते हैं। पिछले पेज पर लिखा था कॉन्ट्रैक्ट cost that has been contractually committed to but not incurred in the current year should not be recognized as a liability since they are considered to be future cost. For example, cost of future capital expenditure which are only disclosed in, ab yahan zara ek second ruk jaye zara, ye padh le zara yahan tak notes। अगर आपने किससे एग्रीमेंट किया हुआ है, बैलेंस शीट डेट पे आपका एक एग्रीमेंट हुआ होगा कि आप किसी से नेक्स्ट ईयर मशीनरी खरीदेंगे 50 मिलियन की, आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आप मशीनरी परचेज करेंगे 50 मिलियन की, एंट्री बताएं। आपने ये प्लान किया है, एग्रीमेंट भी छोड़ा, प्लान किया है कि बड़े होके CA करते ही एक मर्सिडीज लेंगे, डबल एंट्री किधर? अभी ख्वाहिश है,
अगर कॉन्ट्रैक्ट भी कर लें आप, तब भी अभी पास्ट इवन नहीं हुआ। अगर गाड़ी मर्सिडीज ले ली आपने और पैसे नहीं दिए, फिर तो स्टोरी शुरू हो जाएगी। इवन अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दिए और फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर में मशीन ही खरीदनी है, तो इसका भी सिर्फ शेयर होल्डर्स को डिस्क्लोजर दिया जाता है कि हमारी फ्यूचर की कमिटमेंट है, ये भी लाइबिलिटी बनेगी नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट से भी ऐसा सच लाइबिलिटी नहीं, अनलेस वो मशीन भी आ जाए और पैसे नहीं दिए। लेकिन देन वो कहते हैं इसकी एक एक्सेप्शन है, ये लाइन अंडरलाइन करें। क्या इसमें भी हम कोई फ्यूचर की कॉस्ट को रिकॉर्ड करने की बात कर रहे थे नेक्स्ट एग्जाम्पल में? क्या ये खर्चा फ्यूचर में होना था? क्या फ्यूचर में पेनल्टी देनी है? तो इसको क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? नहीं, एक्सेप्शन क्यों है? यहाँ एक पास इवेंट हो गया कॉन्ट्रैक्ट की साइनिंग की वजह से, अब या तो हमें वो करना पड़ना है या वो करना पड़ना, और हमारा नुकसान होना ही होना, उसकी वजह से हमारी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बन गई। कॉन्ट्रैक्ट पूरा करें या पेनल्टी पे करें, ये भी फ्यूचर के खर्चे हैं, पहले ये भी क्लियर कर लेंगे। देख लें दोबारा नेक्स्ट पेज पर, क्या ये इंकर हो गए खर्चे? लेकिन आखिर कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से हम इसकी प्रोविजन या इसकी लाइबिलिटी के बारे में सोचना शुरू हो गए? इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट पे साइन है, बैलेंस शीट डेट पे कॉन्ट्रैक्ट है जिसपे हमने साइन कर दिया है, तो या तो अब हमें फुलफिलमेंट की तरफ जाना है या उसको उसके अगेंस्ट पेनल्टी पे करके बात खत्म करनी है। तो फर्क समझ आता? एनी कंफ्यूजन? अब मैं जरा डेफिनेशन पढ़ा। ऑनेस्ट कॉन्ट्रैक्ट इज वन, ये मेरा पिछले पेज पे ही, वेयर द अनअवॉइडेबल कॉस्ट ऑफ मीटिंग द ऑब्लिगेशन एक्सीड बेनिफिट्स। देख सकते नेक्स्ट पेज पे फिगर्स जरा देखें, किसको कहा जा रहा है अनअवॉइडेबल कॉस्ट? 140 एक्सीड बेनिफिट्स 80। क्या ज्यादा हो जाए, किससे ज्यादा हो जाए? खर्चे ज्यादा हो जाए, बेनिफिट्स कम हो, तो इन अदर वर्ड्स लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट हो। क्या अगर किससे ज्यादा होगा तो फिर लॉस ही होना, बेनिफिट्स से अगर खर्चे ज्यादा होंगे तो फिर ये लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाता है? ऑनरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट है। इस केस में नेक्स्ट पेज पे, इन केस द अनअवॉइडेबल कॉस्ट शुड बी, इन दिस केस द अनअवॉइडेबल कॉस्ट शुड बी प्रोवाइडेड फॉर, का मतलब प्रोवाइडेड फॉर सर, प्रोविजन बनाए, प्रोवाइडेड प्रोविजन से निकला, लेकिन कितनी बनाए? अनअवॉइडेबल कॉस्ट ऑफ द लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड द कंपनसेशन ऑफ पेनल्टीज That would be incurred if the contract were to be cancelled. और नीचे से लिंक करें जरा, what is the cost of fulfilling the contract? नहीं, 140 मुनासिब नहीं है, यहाँ एक नेट वर्ड लगा दें, या नेट कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट। 140 इंकर होके 80 तो आ जाना, तो नेट कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग यहाँ 60 should be compared with 30 and finally कौन से फिगर सेलेक्ट करेंगे? लोअर ऑफ मींस इस केस में 30 और फाइनली एंट्री बता दो। एक्सपेंस नॉट ऑफ डेबिट है, सिंपली एक्सपेंस लिखो, एक्सपेंस डेबिट होना है, प्रोविजन अगेंस्ट ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट होना है। नीचे जरा देखें आपके पास क्या वर्ड्स लिखे हुए, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट सिंपली मींस एक्सपेंस। कौन सा कॉन्सेप्ट हमें को फोर्स कर रहा है इस हवाले से? क्या हो गया है या क्या हो जाना है या क्या हो जाना है? और अगर हमारे पास चॉइस है कि हम अपना लॉस कम कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हम उस तरफ ही जाएंगे जिस तरफ हमें जाना चाहिए। एक नजर देख लें पिछले पेज से, कोई कंफ्यूजन अगर जहन में आती है, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आती है नहीं सर, ये बात हमने ये पढ़ा था कि प्रोविजन की मेजरमेंट करते हुए, प्रोविजन की अमाउंट एस्टिमेट करते हुए, अगर फ्यूचर इवेंट्स ऐसे हों जिनका सफिशिएंट ऑब्जेक्टिव एविडेंस है, उनको कंसिडर कर लेना चाहिए। मेरा ख्याल है तो यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो अमाउंट्स इस वक्त है, इस वक्त ये जो अमाउंट्स है, इनका फ्यूचर इवेंट्स से क्या ताल्लुक है? अमाउंट्स का तो कोई ताल्लुक नहीं, इन अमाउंट्स से फ्यूचर में इनकर होना है, और ये हमारे करंट एस्टिमेट्स हैं। पेनल्टी का कोई ना कोई इंडिकेशन हमारे एग्रीमेंट में होगी, ठीक है, और होगी। और ये जो हमने खर्चे असेस किए, ये हमारी अपनी कैलकुलेशन है, और डेफिनेटली हमने ये जो खर्चे असेस किए होंगे 140,000, ये हमने फ्यूचर में जो प्राइसेस वगैरह एक्सपेक्टेड है उन्हीं को बेस बनाया होगा, और अगर उन प्राइसेस के इंक्रीज होने का कोई सफिशिएंट ऑब्जेक्टिव एविडेंस होगा तो हमने कंसिडर किया होगा, और अगर हमें पता चल जाए कि सफिशिएंट ऑब्जेक्टिव एविडेंस नहीं है उन प्राइसेस का, तो फिर डेफिनेटली एस्टीमेट ठीक नहीं है। तो ये 140 क्या है बेसिकली? फ्यूचर
फ्यूचर के खर्चे, इतने खर्चे होंगे इसके लिए क्या किया होगा हमने, प्राइसेस का एस्टीमेट किया होगा, और प्राइसेस का एस्टीमेट करते हुए जो फ्यूचर में मटेरियल लेबर ओवरहेड्स की अमाउंट्स होंगी उनका कोई ऑब्जेक्टिव एविडेंस ढूंढा हो गया होगा, और अगर पता चल गया कि नहीं ढूंढा गया तो फिर डेफिनेटली सही सही अमाउंट नहीं है, तो इस अमाउंट को फिर और रीअसेस होना चाहिए। ठीक है, तो प्रवीण बनाते हुए या प्रवीण मैयर करते हुए, यहां मैंने जो ये जो प्रवीण ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सॉरी प्रवीण ऑफ ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट की बात की है, इसमें को पास्ट इवेंट की बेस पे कर रहा हूँ या फ्यूचर इवेंट की बेस पे, पास्ट इवेंट की बेस पे जो फ्यूचर में लॉस ना उसकी हम वर्किंग कर रहे हैं। अगर प्रवीण पर वारंटी हो उसमें भी कोई पास्ट इवेंट है, देखिए खर्चे तो फ्यूचर में ही होने हैं, कोई भी अगर लाइबिलिटी है तो क्या खर्चे हो गए या होने, तो पेमेंट तो फ्यूचर में ही होनी है, लेकिन किस वजह से होनी है, किसी पास्ट इवेंट की वजह से हमारी ऑब्लिगेशन बन गई जिसकी वजह से अब अनअवॉइडेबल है कि हमें फ्यूचर में कुछ एक्सपेंसेस करके अपनी लाइबिलिटी सेटल करनी पड़ेगी, तो फ्यूचर में ही अमाउंट जानी है, तो अगर फ्यूचर में अमाउंट जो जानी है उसका एस्टीमेट करते हुए कोई फ्यूचर का इवेंट आपको पता है तो उसको कंसिडर करना चाहिए वाइल मैयरिंग द प्रोविजन। क्लियर? जी सर। जी, नहीं मेरा नहीं, खराबी होनी चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि मैंने ब्रीच कर दिया तभी होनी चाहिए, अगर आपका कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर आपको पता चल गया है कि मैं ब्रीच ही करूंगा, मेरे से मैं गाड़ी खरीदने की पोजीशन में नहीं रहा और ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाना है, तब मेरा खिलाफ इस तरह एग्रीमेंट के मुताबिक अगर आपने किसी को कमिटमेंट की है और आपको लग रहा है कि मैं उसे ऑनर कर दूंगा तब तो मेरा ख्याल कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप ऑनर करने की पोजीशन में नहीं रहे तो उस वक्त शायद आपकी एक ऑब्लिगेशन बने उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। यहाँ भी अब हमें क्या लग रहा है, लॉस लग रहा है और पेनल्टी देनी पड़ रही है, तो अब इसमें अब बेसिन हमारा कुछ ना कुछ, अब इसमें से निकलने के लिए क्या कुछ ना कुछ करना पड़ना, या क्या कर लें या क्या करना, तो बेहतर है क्या करना वो कर लें जिसमें नुकसान कम। देन सर इसी से मिलती जुलती एक चीज है, इसी जहां सॉल्यूशन लिखा हुआ इसका एक हेडिंग होना है फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस। अब इसमें जो अभी हमने पढ़ा वाली जो अभी पढ़ने लगे हैं इसमें एक बड़ा बारीक सा फर्क है, तो ये काइंडली जरा मैं थोड़ी सी आपको एग्जाम्पल एक दे दूं फिर आपने बताना इसका क्या होना चाहिए, क्या कुछ लिखे वैसे क्या हुआ, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस की पहले ट्रांसलेशन कर लें। फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस ये हैं कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में जब आप बिजनेस करेंगे तो आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट की जगह लॉसेस एक्सपेक्टेड है, हो गए हैं या एक्सपेक्टेड हैं। मसलन फॉर एग्जांपल, एग्जांपल मैं ऐसे से बनाऊंगा जाते जाते जो आपको थोड़ा एंजॉय करना है, आप नहीं बदल लेते हैं, लेट्स अज्यूम बच्चे चेंज हो गए ना सर, लेट्स अज्यूम कोका कोला इंटरनेशनल की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो रही है, बीओडी, उसमें आप एक सीएफओ के तौर पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खाना पीना भी चल रहा है, एजेंडा डिस्कस ये हो रहा है कि पिछले 6 महीनों से सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चली है, पाकिस्तानी नौजवानों ने सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी नौजवानों ने एक कैंपेन चलाई है कि कोका कोला पीने से पहले बॉटल को देखा जाए, कैंपेन ये चल रही है कि नौजवान कोका कोला पीने से पहले 1 मिनट के लिए बॉटल सामने रखे और ठंडे दिल से सोचे ये मैं क्या करने लगा, और साथ माजी के हाथ की एक लस्सी दे मिला, तो ये कंपेन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सक्सेसफुल रही कि कोका कोला इंटरनेशनल वालों को लग गया प्रयास कि फ्यूचर में अगर पाकिस्तान में बिजनेस किया हमने तो लॉसेस ही लॉसेस, नौजवान कन्विंस हो गए हैं, कहाँ माजी के हाथ की लस्सी और कहाँ ये, ठंडे दिल से नौजवानों ने सोचा तो यकीन वो उधर ही गए जिधर जाना बनता था, और जिसकी वजह से
अब ये एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में बिजनेस करेंगे अगर पाकिस्तान में तो लॉसेज हो जाएंगे। बाकी बात अब खत्म करना है, आप बताएं क्या इन लॉसेज के अगेंस्ट प्रोविजन करना है? अब बिजनेस बंद करने के बारे में कुछ सोचे हैं या कोई प्रोविजन रिकॉर्ड करने का सोचा है? तो ये ऑन द स्पॉट भी तो यही था, यहाँ भी तो पास इवेंट हुआ है, 6 महीने हो गए कैंपेन चलाते हुए, यहाँ की कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है, वहां और यहाँ में क्या फर्क है? तो क्या होना चाहिए अगर फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस एक्सपेक्टेड है? नहीं वो तो चले कर लेते हैं, लेकिन क्या प्रोविजन रिकॉर्ड होना चाहिए? क्या मिसिंग है यहाँ? नहीं आराम आराम से क्राइटेरिया नहीं मिला, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं, ऑब्लिगेशन भी रुक गए, कोई फ्यूचर में बिजनेस करने की किसी से ऑब्लिगेशन? ये तो आपकी डिस्क्रिशन है, आप बिजनेस करें ना करें, कोई कमिटमेंट ऐसा सच नहीं है। तो इस केस में, किस केस में अगर फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस एक्सपेक्टेड हो तो फिर कोई नहीं रिकॉर्ड होनी चाहिए, बिकॉज देर इज नो एज सच अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बिकॉज ऑफ पास्ट इवेंट, देर इज नो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, कोई लीगल ऑब्लिगेशन है या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन? बिजनेस फ्यूचर में करने की कोई ऐसी ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट ना करने की वजह से फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस की कोई प्रवीण रिकॉर्ड नहीं की जाती, तो उसमें और इसमें क्या फर्क है? वो भी तो फ्यूचर में होना है यार, वो भी तो फ्यूचर में होना है, वहां एक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है जिसकी वजह से हम कमिट हैं कि या तो पेनल्टी दें या कॉन्ट्रैक्ट पूरा करें, तो यहाँ क्या मिसिंग होने की वजह से, ऑब्लिगेशन मिसिंग होने की वजह से फ्यूचर अपॉर्टिंग लॉसेस की प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करते। मैं अपने सारे अल्फाज वापस ले लेता हूँ जो मैंने को के हवाले से किए हैं, बात सिर्फ समझाने की तरफ मैं जा रहा था, तो बाकी डेफिनेटली को कंपैरिजन बनता ही नहीं है, कहाँ लस्सी और कहाँ को, मैंने इधर पहले देखा था इधर जाते हुए, अब मैं इधर से इधर वापस आ गया, तो माजरत है अगर किसी के कुछ जज्बात हर्ट हुए हैं, क्योंकि अगर खाना बंदा खा रहा हो और साथ कोक ना हो हजम ही नहीं होता, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, और पाकिस्तानी नौजवानों का बॉटल को गौर से देख के सोचना मेरा ख्याल है तकरीबन नामुमकिनात में से। तो सारे मेरे अल्फाज वापस हैं, घर के लिए सवाल वही है, कौन कौन सा फखर तो हो चुका है, प्लीज अब फखर जान दो, गुस्सा तो दादा नाम भी है, एक मार्वलस लिमिटेड के नाम से ये क्वेश्चन आपने F1 में किया हुआ, लेकिन इसमें जरा टच आ रहा है डिसमेंटिंग का, तो जरूरी है सर ये करना, कई नंबर बता दो। जी डेफिनेटली बेटा, कोक कौन नहीं पीता, और जो नहीं पीता बदनसीब है, अल्लाह हाफिज। वैसे आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी ये जो बात मैंने जो की है, एक मिनट के लिए जरा सोशल मीडिया, मेरा ख्याल ये जब आप मोबाइल ओपन करेंगे उसमें लस्सी का ग्लास निकल आएगा, स्क्रीन पे लस्सी ग्लास निकल आएगा, जरा एक मिनट अगर हो जाए, अगर स्क्रीन पे हिस्सा हो जाए सेंटर में लाइन लग जाए, हो सकता है तो जरा मुझे भी कल दिखाइएगा, जरा मैं भी जरा देखूँ तो सही कैसा कंपेरिजन बनता है, लेफ्ट साइड पे जरा कोक और राइट साइड पे जरा लस्सी का ग्लास, पे नंबर बता दें जरा यार, वॉल्यूम ऑन कर 345। बहरहाल आपके जज्बात से खेला मैंने, लेकिन मैंने इसी खेला, दो तीन दफा और खेलना मैंने इसी टॉपिक,